श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। हरे कृष्ण। तो ये अध्याय 3 का तीसरा श्लोक है, 3.3 भगवद्गीता। और यहाँ पर अब भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लोके अस्मिन् अर्थात इस लोक में, लोके अस्मिन् द्विविधा, द्वि अर्थात दो प्रकार के क्या है, निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा इस लोक में, इस संसार में लोगों की। पूरा प्रोक्ता मया अनघ, जो कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, हे अनघ, हे पाप रहित अर्जुन, तुम्हें पहले बता चुका हूँ दो प्रकार की निष्ठा होती हैं। कैसी निष्ठा? इसका उत्तर कहाँ पे बता चुका हूँ, क्वेश्चन ये आता है भगवान ने कहाँ पे बताया, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य के बिल्कुल पहले लाइन में कि 2.39 में भगवान पहले ही बता चुके हैं। एषा ते अभिहिता सांख्य बुद्धिर्योगे त्व इमाम श्रीनु, कि अर्जुन तुम्हें मैंने जो बताया वो सांख्य योग बताया है, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग के द्वारा बताता हूँ, अब उसको सुनो। तो उसी को लेते हुए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ लेकिन तुमने गौर नहीं किया, इसलिए मुझे तुम्हें दोबारा बताना पड़ रहा है, तुम ध्यान से सुन क्यों नहीं रहे, पॉइंट ये है। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान योग है ना सांख्या नाम। तो दो तरह से क्या बताया था कि एक तो होते हैं जो ज्ञान योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं सांख्य के अनुयायी, और दूसरा कर्म योग है ना योगी नाम, और दूसरे होते हैं जो कर्म योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अर्थात डिवोटीज। और फिर श्री प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में, श्री प्रभुपाद इसके अनुवाद में क्या लिख रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। 2.39 में मैंने तुम्हें पहले बताया था, कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय, तो कुछ कर्म योग के द्वारा या भक्तिमय सेवा के द्वारा। प्रभुपाद लिख नहीं रहे यहाँ कर्मयोग, लेकिन अंडरस्टूड है कर्मयोगी है, क्यों? क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। एक्चुअली बुद्धि योग मतलब भक्ति योग भी है और कर्मयोग भी है, और सांख्य योग क्या है, सांख्य योग क्या है, मायावादी या ब्रह्मवादी जो स्पेकुलेट करते हैं, स्पेकुलेट कर करके जो भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं उनको कहते हैं सांख्य के अनुयायी। वो सब भगवान को कल्पना करते हैं कि भगवान ऐसे होंगे, और कल्पना करके वो भगवान किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भगवान निराकार है, ये उनका निष्कर्ष निकलता है, और उस निराकार में हमें लीन होना है, और वो निराकार में लीन तो कभी होंगे नहीं, जो मायावादी हैं वो तो हमेशा कहाँ जाते हैं, मायावादी किसे कहते हैं, मायावादी कहते हैं जो आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, और वो कहते हैं मरने के बाद हम भी जब मोक्ष मिल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो हम भगवान ही बन जाएंगे, उनको मायावादी कहते हैं जो शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं। और दूसरा सेक्ट होता है वैष्णव, जो हम लोग हैं, चार वैष्णव संप्रदाय हैं, हम सब डिवोटीज होते हैं, और हम कहते हैं कि कर्मयोग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। एक ये दृष्टिकोण है जो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। सांख्य योग मतलब वो सोचते हैं कि सांख्य आत्मा अनात्मा बस ये देखेंगे, आत्मा है शरीर नहीं है, और बस ये सोच सोच के, और फिर चिंतन कर करके उनका अपना ही एक दुनिया होती है, उनका निराकार भ्रम भी अपना ही होता है, और इसलिए जो मायावादी होते हैं वो नर्क जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावादी भाष्य सुनीले हरिले सर्वनाश, जो डिवोटीज होते हैं वो वैकुंठ जाते हैं या गोलोक। दो तरह के स्पेकुलेटर्स होते हैं, एक तरह के स्पेकुलेटर हो गए जिनको कहते हैं मंडेन स्पेकुलेटर्स या दुनियावी कल्पना करने वाले, जो मंडेन जो दुनियावी स्तर पे मनोकल्पना करते हैं। उसमें भी दो सेक्शन हो गए, क्या हो गया, एक सेक्शन हो गया जो फिलोसफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं संसार के, साइंटिस्ट और फिलोसफर्स, तो जो फिलोसफर्स हैं वो एक तरह के स्पेकुलेटर हो गए, सोच सोच के पता नहीं क्या किस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, अजीब अजीब से निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि सब पे डाउट करना चाहिए, स्केप्टिसिज्म थ्योरी, ऐसे पता नहीं क्या क्या थ्योरीज निकाल लेते हैं। तो एक तो ये हो गए स्पेकुलेटर मंडेन फिलोसफर्स में, मंडेन स्पेकुलेटर्स में एक स्पेकुलेटर हो गए फिलोसफर्स, और दूसरे स्पेकुलेटर हो गए मायावादी जो मनोकल्पना कर करके अपना सत्यानाश कर लेते हैं। अब दूसरे तरह के जो स्पेकुलेटर हैं
मंडेन स्पेकुलेटर्स में जो दुनियावी जो मनोकल्पना करने वाले हैं उसमें दो पार्ट हो गए, और जो दूसरी तरह का स्पेकुलेटर हो गया जो भगवान की भक्ति में आके स्पेकुलेट करता है, अर्थात वो सेवा नहीं करेगा, वो ज्ञान लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, इसलिए उसको ज्ञान योगी भी कह दिया जाता है कभी कभी। मतलब कई डिवोटीज होते हैं ना जो मंदिर में फुल टाइम बन जाते हैं या जुड़ जाते हैं मंदिर के साथ और फिर सेवा नहीं करते मंदिर में, ना कभी प्रसाद वितरण करेंगे, ना कभी कोई हाथ बटाएंगे, और बस पढ़ते रहेंगे और पढ़ते ही रहेंगे बस, और पढ़ पढ़ के सोचते रहेंगे कि जो मैं समझ रहा हूँ ये ऐसा ही है, लेकिन भगवान उनको कभी रिवील नहीं होने देंगे, प्रकट नहीं होने देंगे कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है जो श्री प्रभुपाद ने लिखा है। क्यों? क्योंकि उनका सेवा का अकाउंट कम है। तो दो तरह के वो इस उनको भी स्पेकुलेटर कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही सोच रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा, और वो मतलब भगवान रिवील नहीं होने देंगे जब तक सेवा ढेर सारी नहीं होगी हमारे भक्ति के बैंक अकाउंट में। तो ये सर से हम समझेंगे, दो तरह के स्पेकुलेटर हैं। तो उसको लेकर श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में भी चल रहे हैं और आगे के तात्पर्यों में भी, श्लोकों के तात्पर्यों में भी चलेंगे। कर्मयोगी कौन हो गया? कर्मयोगी हो गया जो भगवान के लिए कर्म करता है। तो 3.1 में भगवान ने कहा था कि अर्जुन ने एक्चुअली पूछा था कि भगवान बुद्धि श्रेष्ठ है, अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं, सकाम कर्म में? तो भगवान ने कहा बुद्धि श्रेष्ठ है तभी तो मैं तुम्हें लड़ने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना, भक्ति मतलब केवल पठन पाठन नहीं करना और ओम तपस्या नहीं करनी जंगल जाके, सेवा करो। फिर दूसरे श्लोक में अर्जुन कन्फ्यूज़ हो गया कि भगवान मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल आए, उसको समझ नहीं आ रहा। तो फिर तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ज़्यादा तुम घन चक्कर मत बनो, चीज़ों को समझने का प्रयास करो। चीज़ सिंपल है, सिंपल ये है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं ज्ञान योग के द्वारा जो समझने का प्रयास करते हैं, जिनकी ज्ञान निष्ठा होती है, और एक कर्मयोग के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा जो समझने का प्रयास करते हैं उनको डिवोटीज कहते हैं, जैसा श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में और जैसे अनुवाद में। तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। तो कर्मयोगी बनो, और ज्ञान योगी लंबा रास्ता है, चाहे डिवोशन में भी आ जाओ तब भी ज्ञान के ऊपर ज़्यादा निष्ठा नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, सेवा के ऊपर ही होनी चाहिए। तो अब ये यहाँ पर एक थीम चल रही है। तो दो तरह के स्पेकुलेशंस हो गई, और श्री प्रभुपाद अक्सर यही लेके चल रहे हैं कि जैसे योगा लैडर है, हम जैसे इस्कॉन में डिस्कस करते हैं योगा लैडर क्या है, कि सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। अभी हमारे पास टाइम कम है क्योंकि कलयुग चल रहा है, इसलिए डिवोटी क्या करता है, सीधा भक्ति योग पे छलांग मारता है। और भक्ति क्या है? भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सीधा भक्ति योग करता है। अब उस भक्ति योग के अंतर्गत भी कर्मयोग ज्ञान योग और कर्मयोग और ज्ञान योग चलता है। ये भी एक दृष्टिकोण है जो सभी पूर्ववर्ती आचार्य लेकर चल रहे हैं, और श्री प्रभुपाद भी अपनी गीता में दोनों दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं। एक दृष्टिकोण तो हो गया सामान्य दृष्टिकोण, एक लैडर हो गया सामान्य लैडर, जनरल लैडर, कि सकाम कर्म मतलब होगी, फिर उसका निष्काम कर्म योगी जो समाज सेवक होते हैं, फिर उसके बाद ज्ञान योगी जो शंकरानुयायी इत्यादि हो गए, ब्रह्मवादी हो गए, और फिर उसके बाद ध्यान योगी जो अपने हृदय में परमात्मा में ध्यान लगाते हैं या जो सिद्धियों के पीछे होते हैं, फिर उसके बाद भक्ति योगी। अब ये सब कुछ करने का हमारे पास टाइम नहीं है, योग करने का और ज्ञान लेने का, मतलब शुष्क ज्ञान जो मायावादी ब्रह्मवादी लेते हैं, या समाज सेवा करने का निष्काम कर्म योगी, या भोगी बनने का, अभी हमारे पास कोई टाइम नहीं है, अभी हम सीधा भक्ति योग ही करते हैं। और भक्ति योग मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चना वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति योग है, भगवान का नाम लेना और दूसरों से भी, और प्रचार करना, कीर्तन मतलब प्रचार करना भी। तो ये, और उस भक्ति योग के अंतर्गत भी फिर कर्मयोग ज्ञान योग चलता है। जिस तरह से गायें क्या है, गायें सतोगुण में मानी जाती है, लेकिन अल्टीमेटली है किसमें, है तो तमोगुण में, उसको पता ही नहीं मैं कर क्या रही हूँ, जीवन लाइफ वेस्ट हो रही है, लेकिन वो तमोगुण के अंदर भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण चलता है, वो उस तमोगुण के सतोगुण में है गायें, इस तरह से समझा जा सकता है। उसी तरह से जब हमने भक्ति योग में, क्योंकि छलांग मार दी क्योंकि कलयुग चल रहा है और हमारी आयु भी
बहुत कम है, 100 साल भी नहीं है, पता नहीं कब मर जाएं। तो इसलिए उस भक्ति योग में जो हमने छलांग मारी है उसके अंदर भी दो तरह के लोग होते हैं, कर्मयोगी और ज्ञान योगी। उसके अंदर भी फिर योगा लेटर चलता है, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और फिर भक्ति योग। उसके अंदर जो योगा लेटर चलता है उसका अर्थ ये है कि कर्मयोग मतलब भगवान के लिए सेवा करना, तो शुरू में हमें सेवा जम के करनी चाहिए, और फिर जब सेवा करके जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब फिर ज्ञान लेने में इंटरेस्टेड होना चाहिए, तब ज्ञान योग में प्रवेश करना चाहिए। शुरू में किताबें नहीं पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर किताबें पढ़ेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो किताबें समझ नहीं आएंगी और फॉल डाउन भी हो जाएगा और फिर हम मेंटल स्पेकुलेटर बन जाएंगे। तो कर्मयोग जब हम भगवान की सेवा करेंगे, और फिर ज्ञान योग उससे हम ध्यान योग में प्रवेश करेंगे। ध्यान योग मतलब ध्यान से भक्ति करना निरअपराध होकर, और फिर ध्यान योग से फिर हम भक्ति योग हमारी पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हो जाएगी। उस भक्ति योग के अंतर्गत भी कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग चलता है, वो सब हमारा कर्मयोग ज्ञान योग है, वो उन ज्ञानियों का और कर्मकांडियों का ज्ञान योग, कर्मकांड नहीं है, कर्मयोग नहीं है, तो हमारा भी वो चलता है कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग विद इन द ब्रैकेट्स ऑफ भक्ति योग। उस एंगल को भी सभी पूर्ववर्ती आचार्य और श्री प्रभुपाद देकर चल रहे हैं। हरे कृष्णा। अब आप इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे इस श्लोक को तो चीज़ें समझ आएंगी। श्री प्रभुपाद की जय।